जो कोऑर्डिनेशन है सबके पास हम वॉकी टॉकीज देते हैं ताकि वो जितने भी डिस्टेंस पे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो, जो बैक स्टेज है, जो मेन गेट पे है, जो एंट्री पॉइंट्स पे है, जो एग्जिबिशन एरिया में है, जो साउंड टेक्निकल साइड पे है, जो जहाँ भी कोई है वहाँ से बच्चे जो है एरेंट्स उनको अलॉटमेंट की हुई है, साइट्स की हुई है कि भाई कौन कौन कहाँ है. तो आई थिंक विद द वॉकी टॉकीज दैट वी हैव अ नंबर्स फॉर एवरीबडी और आई थिंक उससे ये लोग कन्वीनियंटली लोगों से बात कर सकते हैं और जल्दी से हर चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं. सो इट्स अ गुड सिस्टम दैट एवरीबडी कोऑर्डिनेट्स ऑन इट. तो ये एक सिस्टम हम हेल्प करता है हम सबको लॉजिस्टिकली. जब जगह बड़ी होती है या छोटी हो तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. आवाज़ें सुन रहे हैं वो हसन शहरियार की हैं क्योंकि वो अभी रिहर्सल शुरू कर रहा है डिफरेंट डिज़ाइनर्स के लिए और वो मॉडल्स को रैंप पे म्यूज़िक के साथ चलाने की और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से आप देखेंगे कि कुछ मॉडल्स जो है अपने ट्रायल्स दे रहे हैं, उनका बॉट कैटवॉक जो है म्यूज़िक पर किस तरह चलना चाहिए वो दिखा रहे हैं. मैं भी बैक स्टेज आपको इसलिए ले जाती हूँ ताकि आपके ये भी देखा जाए कि बैक स्टेज में लोगों को तैयार करने के हवाले से क्या क्या काम करने पड़ते हैं उससे पहले कि सारी चीज़ें हर एरिया जो है उसका सही रहे. और यहाँ पर दो डिविजन्स होती हैं क्योंकि मेल मॉडल और फीमेल मॉडल्स हैं उसके लिए. तो उसके हवाले से हमारा एक सेक्शन कम्प्लीटली मेल मॉडल्स का होता है जहाँ पर डिज़ाइन मेल मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मॉडल्स को तैयार करते हैं. उसी तरह से हमारे पास आयनिंग स्टेशन है जहाँ पर सारे डिज़ाइनर्स के कपड़े आते हैं तो वो स्त्री होते हैं, सब कुछ होता है, तो सारी मेहनत वो लगती है. फिर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर फीमेल मॉडल्स का मेकअप स्टेशन है और यहाँ पर ये है कि तकरीबन चूँकि मॉडल्स फीमेल मॉडल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा जगह उनको दी जाती है और चूँकि यू नो मॉडल्स हर एक के साथ उनकी जो टाइमिंग होती है, आवर्स जो स्पेंड करते हैं इन अ सैलून, उनको जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं उनकी ख़ास रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास लाइट ऑफ सोर्स जो मेकअप के लिए वो इस तरह होना चाहिए. तो इसलिए ख़ास तौर पे इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और दे आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सैलून. और वहाँ पर से हम जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट के अलावा स्टेशंस हैं और यहाँ पर जब कल बिज़ी हो जाएगा तो तकरीबन 12 बजे से ऑनवर्ड्स सारे तैयार होना शुरू होंगे और यहाँ पर एक्सेसरी टेबल और डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस वगैरह अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो है वो लगते जाएंगे रैक्स में मॉडल्स के नाम के साथ, उसको तैयार किया जाएगा. और पीछे हमारा चेंजिंग रूम आता है जहाँ पर उनके कपड़े शपड़े दिखाते हैं और ये भी उसी तरह से मेहनत की जाती है कि पूरा स्टेज एरिया जो है ना उसका एक कर दिया जाए. एक छोटा सा ग्लिम्स अभी तैयारी हो रही है. हमारी रिहर्सल्स जो हो रही हैं सारे मॉडल्स अब ऑन रैम चढ़ने वाले हैं तो अभी ये तैयारी हो रही है जस्ट फॉर रिहर्सल से. तो ये इनके डिज़ाइनर्स के साथ इनकी तैयारी चल रही है एंड दे आर ऑल रेडी टू गो ऑन स्टेज फॉर रिहर्सल. सो यू नो दे आर ऑल रेडी टू गो ऑन देन फॉर द रिहर्सल. और नेशनल एंथम इज़ द की थिंग टू स्टार्ट आवर शो ऑलवेज. तो ये आवाज़ जो आ रही है वो नेशनल एंथम की आ रही है. मेरा नाम रुकैया नज़ीर है और मैं आर टीम इवेंट टर्न की इवेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज के लिए काम करती हूँ. बेसिकली आई एम द सीईओ एंड मैं तकरीबन माय एक्सपीरियंस इज 30 इयर्स बट माय कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अबाउट 10 इयर्स अगो. So we've completed mashallah decade this year and abhi hamare efforts ke sath sath hum jab kaam karte hain to sara basically we have loved very good clients and very good relationship that we have developed along the years and uski wajah se hamare bahut acche major clients hain jinke sath hum bahut closely work karte hain for their इवेंट्स. और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं जो हम करते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम कोई कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या कॉन्सर्ट्स करते हैं या
यू नो डीटीएल एक्टिविटीज़ होती हैं. इवेंट मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि जी वो कॉन्सर्ट करके और आप इवेंट कर रहे हैं, बट इवेंट मैनेजमेंट का मकसद बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट होता है और हर प्रोजेक्ट पे इतना इंटरेस्टिंगली और चैलेंजिंग चूँकि होता है तो हर प्रोजेक्ट पे आपके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाइसेंस होती है जिसके अंदर आप यू नो इंटरेस्ट फ्लो कर सकते हैं. और अगर आपका इंटरेस्ट हो, जस्तजू हो और यू नो आपको आप ओन करें उस प्रोजेक्ट को, तो आपके पास खुद ब खुद यू नो आपकी इतनी इंकरेजमेंट होती है आपको ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरह से उसको कामयाबी के साथ वो कर सकते हैं. और मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है जो हैव बीन वेरी सपोर्टिव फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. बॉयज़ बहुत कम हैं, जो लड़कियां इत्तेफाक से थीं बट चली गई हैं. आई एम दी ओनली सिंगल फीमेल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड अलॉट के बच्चियाँ आएँ काम करें.